तो दोस्तों उम्मीद करते हैं 18 तारीख के होने वाले धरने में एक महायज्ञ होगा, उसमें सबकी आहुति देना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है ये आपके पास अंतिम मौका हो, इसके बाद में ऐसा कोई मौका भी नहीं मिले आपको आने का और अपनी मांगे मनवाने का। जो इंजीनियर है वो भी इस धरने में शामिल होंगे या नहीं, इसमें आपकी आपका क्या मत है? नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ हैं बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां। आज हम बात करेंगे इंटरडिस्कॉम ओपीएस 18 तारीख को जो जयपुर में धरना होने वाला है उसके बारे में। अभी एक सवाल है कि ओपीएस ओपीएस करते हैं, ओपीएस आखिर जरूरी क्यों है, इतनी जरूरी क्यों है ओपीएस जिसके लिए हमें लड़ना पड़ रहा है? और जैसा कि आप सबको पता है कि 22 तारीख को बजट आ रहा है ना, 22 तारीख को बजट आ रहा है और हमारा धरना होगा 18 तारीख को, तो मात्र 4 दिन का ये समय अंतराल बीच में रहेगा। तो इस 4 दिन में अगर ओपीएस मिल गई तो मिल गई, नहीं तो फिर ये प्रोसेस लंबी हो जाएगी फिर वापस से, इसीलिए भी आपका आना जरूरी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब राजस्थान विद्युत कर्मचारी अधिकारी संयुक्त संघर्ष समिति बनाई थी, उस दौरान इंजीनियर साथी उस वार्ता में शामिल थे और उन्होंने सहमति दी थी चैनल के माध्यम से सभी इंजीनियर साथियों को एवं जितने भी संगठन या जो भी संघर्ष समितियां अभी रह रहे बाकी हैं, जो इस आंदोलन का हिस्सा नहीं बने आज, उन सभी से गुजारिश है कि वो सभी सारे मतभेद भुला के वापस इस, मैं तो ये कहूंगा, इस महायज्ञ में अपने आहुति देवे, ताकि बिजली कार्मिकों के परिजनों को और उनके परिवार को भी कुछ सौगात इस सरकार से दिलाई जा सके। मैं ये कहना चाहूंगा कि इंटर डिस्कॉम वाले कर्मचारियों के साथ साथ उनके माँ बाप भी बहुत ज्यादा प्रताड़ित हैं इस समस्या की वजह से। कहीं ना कहीं कर्मचारी है जो अलवेतन भोगी दो जगह परिवार को चलाने में थोड़ा सा असहज महसूस करता है, तो उनसे मेरी खासकर विनती रहेगी कि वो हर हाल में किसी भी स्थिति में 18 तारीख धरने का हिस्सा रहे और साथियों आपकी संख्या बल ही आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा। तो साथियों से उम्मीद करता हूं कि भाई साहब ओपीएस इतना जरूरी क्यों है कि हर कर्मचारी वहां जाए, अधिक से अधिक संख्या में प्रत्येक इंटरडिस्कॉम वाला साथी और अपने परिजनों के साथ उपस्थिति विद्युत भवन पर देवे। आगे की जो रणनीति रहेगी वो आपको बता दी जाएगी आंदोलन के समय इसके द्वारा, पर कि अगर किसी कोई भाई से संपर्क नहीं हो पाता है तो आज हमारे इस लाइव वीडियो के आधार पे अपने आप का निमंत्रण समझे और प्रत्येक कर्मचारी की अपनी भागीदारी इस मुहिम में शामिल हो और अपने को जो ज्वलंत समस्या है हमारी, जो राजस्थान सरकार द्वारा हमें नहीं दी गई है, बाकी राजस्थान सरकार ने सभी कर्मचारियों को दे दी गई है, जो बिजली कर्मचारियों को नहीं दी गई है। कहूंगा मैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं अपनी आवाज बुलंद करें, अपने परिजनों को भी जोड़ने का प्रयास करें ताकि सरकार पर प्रेशर आवे। जो पीड़ा है वो उभर के बाहर आ रही है और कर्मचारियों का दर्द है वो वास्तव में आज हम सबने यहाँ देखा है। और राजस्थान में मात्र एक ऐसा विभाग है जिसमें लगातार कर्मचारियों का और अधिकारियों का शोषण हो रहा है। हमारे कर्मचारी संगठन गंभीर है और इसी हमारे कर्मचारियों के साथ जो गलत व्यवहार राजस्थान सरकार और निगम प्रशासन के द्वारा जो दोगली नीति अपनाई जा रही है इसको लेकर के एकजुट हुए हैं। राजस्थान सरकार से हम भी यही उम्मीद करते हैं, निगम प्रशासन और राजस्थान सरकार से, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से विशेष अनुरोध, ये सभी बिजली बोर्ड के घटक संगठन है, ये भी आशा करते हैं कि आप हमारी मांगे हैं उन पर सकारात्मक रूप अपनाएं और सकारात्मक रूप अपनाते हुए हमारे कर्मचारियों की जो ज्वलंत समस्याएं हैं, कर्मचारियों को एक डिस्कॉम से दूसरे डिस्कॉम में ट्रांसफर हो, ऐसी किसी भी प्रकार की कोई स्थानांतरण नीति नहीं बना रखी है और इसकी कर्मचारी बहुत लंबे समय से मांग कर रहे हैं। हमारी मांग ये है कि हमें भी हमारे गृह जिले में कभी ना कभी विभाग की सेवा करने का मौका मिले। हमारे आरजीएचएस की जो मांग है उसमें राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय ने प्रत्येक विभाग के कर्मचारियों के लिए ओपीडी और आईपीडी दोनों अनलिमिटेड कर रखी है। वैसे हमारे विभाग के अंदर भी आईपीडी की लिमिट काफी है, लेकिन ओपीडी में जो हमें 20,000 रुपये दिए जाते हैं, कर्मचारियों की काफ़ी गंभीर समस्याएं, परिवार के अंदर किसी न किसी समस्या से जूझे होते हैं, काफ़ी गंभीर बीमारियां होती है जिनमें 20,000 रुपये की लिमिट बहुत कम है और इसको बढ़ाने के लिए वापस हमें अप्रूवल लेनी पड़ती है और उसके बाद काफ़ी बार कर्मचारियों की अप्रूवल एक्सेप्ट नहीं होती है,
जिसके कारण उनको भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमारे जो इंजीनियर साथी है उनकी 4800 ग्रेड पे की मांग है और ये बिल्कुल वाजिब मांग है। सभी विभागों में ये 4800 ग्रेड पे जयनों को, कनिष्ठ अभियंताओं को दी जा रही है और ये एक तरह से बिजली विभाग के जो कनिष्ठ अभियंता है उनके साथ में एक तरह की बेईमानी है और उनके साथ ये एक तरह का सौतेला व्यवहार है। तो हमारी मांग ये है कि हमारे जो कनिष्ठ अभियंता महोदय है उनको समय पर उनका मान सम्मान और उनका हक मिलना चाहिए, उनको 4800 ग्रेड पे दी जानी चाहिए। अधिमानता नियुक्ति वाले जो कर्मचारी साथी है जिनकी जो नियुक्ति होती है वो जो हायर सेकेंडरी पास जो होते हैं उनको कनिष्ठ लिपिक के पद पर उनको पदस्थापित किया जाता है, जबकि आजकल देखा जा रहा है कि हमारे अधिमानता वाले साथियों के साथ में दुर्व्यवहार किया जा रहा है और उनके साथ इस तरह का दोगला व्यवहार किया जा रहा है कि पहले तो अधिमानता वालों को नौकरी हाई सेकेंडरी पास को कनिष्ठ लिपिक के पद पर दी थी, अब उनको लाइनमैन या फील्ड में काम करवाया जा रहा है। तो उनकी इस ज्वलंत समस्या का निगम प्रशासन और माननीय राजस्थान सरकार अशोक जी गहलोत साहब मुख्यमंत्री जी से हमारे निवेदन है, ऊर्जा मंत्री जी से हम निवेदन करते हैं कि उनकी ज्वलंत समस्या का समय रहते समाधान किया जाए। डेट ऑफ ज्वाइनिंग से फायदा नहीं दिया जा रहा है जिससे कर्मचारियों को लगभग साल भर का नुकसान, एक के कर्मचारी प्रत्येक कर्मचारी को साल भर के आसपास में इस चीज का नुकसान हो रहा है। और नाराज हो गए रेशमा होने के बाद।